जब हम बात करते हैं कलीसिया का, चर्च के बारे में, तो कई तरह का सवाल हमारा दिमाग में घूमता रहता है। अगर आप एक नए विश्वासी है तो आप ये सवाल पूछते होंगे, मुझे किस चर्च में जाना चाहिए? क्या पुराना नियम में चर्च था? चर्च कब शुरू हुआ? एक आदर्श कलीसिया कैसा होता है? एक आदर्श कलीसिया के अंदर में क्या क्या बातें होनी चाहिए? जब हम अपनी नजर यहाँ से वहां तक घुमाते हैं तो सब जगह अलग अलग डिनोमिनेशन दिखाई देता है। इतना सारा डिनोमिनेशन आखिर क्यों है? ये डिनोमिनेशन कहां से शुरुआत हुआ? आखिर परमेश्वर ने चर्च क्यों बनाया है? चर्च का उद्देश्य क्या है? पता है दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश से मुझे एक कॉल आया था। एक भाई ने पूछा कि भैया, मैं एक चर्च का मेंबर बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे एक चर्च का मेंबर बनूंगा मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताइए। हो सकता है कि आपका मन में भी यह सवाल आया होगा कि एक चर्च का मेंबर कैसे बनते हैं। चर्च का मेंबर बनने के बाद चर्च के प्रति हमारा जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? तमाम ऐसे सवाल जो चर्च से रिलेटेड है आपका दिमाग में आता होगा। चर्च के प्रति जो ख्यालात आपके मन में अभी तक घूम रहा था, उससे कहीं अधिक बातें इस वीडियो में है और आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा यह वीडियो। दोस्तों, इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूं कि अगर आप इस डॉक्ट्रिन को अच्छे तरीके से समझ लें और इस डॉक्ट्रिन का शिक्षा को अपना जीवन में और कलीसिया में अप्लाई करें, तो कलीसिया में जागृति आएगा और कलीसिया एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। आइए, मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूं, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है पवित्र कलीसिया। तो हम लोग क्या क्या आज सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन चर्च का, उसके बाद ये चर्च कैसे शुरुआत हुआ, शुरू होने के बाद आज जो 21वीं सदी में चर्च पहुंचा है तो ये कैसे डेवलप होकर पहुंचा है, इस बात को हम देखेंगे इतिहास के पन्नों से। चर्च को कई तरीके से सिंबल के रूप में बताया गया है, सो वो प्रतीक का हमारे जीवन में आज क्या महत्व है उसको हम समझेंगे। चर्च का क्या विशेषता है? आखिर परमेश्वर ने चर्च को क्यों बनाया है? एक आदर्श कलीसिया कैसा होना चाहिए और उस कलीसिया में हमारा क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, इस बात को भी हम देखेंगे। चर्च का जो सैक्रामेंट है, संस्कार, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप नए विश्वासी हैं और नहीं जानते कि चर्च का मेंबर कैसे बनना है, तो इस बात की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और अंत में हम ये देखेंगे कि ये डॉक्ट्रिन से हमने क्या सीखा, अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो क्या बदलाव हमारा जीवन में, हमारा कलीसिया में आएगा, उस बात को भी हम देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब सवाल कर रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, जरूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है। यहाँ जो कलीसिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका ओरिजिनल वर्ड है एकलीसिया। एकलीसिया का मतलब होता है अ गैदरिंग ऑफ सिटीजन्स कॉल्ड आउट फ्रॉम देयर होम्स इन टू सम पब्लिक प्लेस, एन असेंबली, द असेंबली ऑफ द इसराइलाइट्स, एन असेंबली ऑफ क्रिश्चियन गैदर्ड फॉर वर्शिप इन अ रिलीजियस मीटिंग। हिंदी में अगर कहे तो इसका मतलब यह है कि लोगों का समूह जो अपने घरों से निकलकर एक सार्वजनिक स्थान में जमा हुए हैं, या एक तरह का सभा, या इसराइलियों का सभा, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे मसीहों का सभा जो परमेश्वर का आराधना करने के लिए एक धार्मिक सभा में जमा हुए हैं। संक्षेप में कहे तो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ऐसे लोगों का समूह को कलीसिया कहते हैं। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहता है, द वन होली यूनिवर्सल चर्च विच इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड टू विच ऑल बिलीवर्स बिलोंग। अगर हिंदी में देखें तो ऐसा होगा, एकमात्र पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया जो मसीह की देह है तथा जिसके सभी विश्वासी अंग है। ये डेफिनेशन से निकलने वाला बहुत सारा शब्द है जिसका अर्थ को हम डिटेल में देखेंगे, जैसे विश्वव्यापी, मसीह का देह, सभी विश्वासी अंग है, इन सब बातों को हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल आपके मन में आया होगा कि क्या पुराना नियम में चर्च था? आइए मैं आपको इस बात को बताता हूं कि पुराना नियम में चर्च था या नहीं था। जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे और यर्मियाह पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहां पर ये वचन जहां लिखा है, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे। यहां इस वचन में परमेश्वर खुद बोल रहा है अपना दास को कि मेरी प्रजा को मेरे पास में जमा करो, मेरे पास लेकर के आओ, एक जगह जमा करो। क्यों? परमेश्वर वचन सुनाना चाहता है। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? वे परमेश्वर का भय मानेंगे। परमेश्वर कई बार अपने वचन में कहता है, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। यह एक रिश्ता को बताता है। सो परमेश्वर एक साथ जमा करना चाहता है ताकि वो अपना वचन सुनाए
और इसका रिजल्ट क्या हो कि वे परमेश्वर का भय माने। संक्षेप में हम कहेंगे गैदरिंग ऑफ गॉड्स पीपल टू लिसन गॉड्स वर्ड सो दैट दे फियर गॉड। परमेश्वर के लोगों का समूह एक जगह इकट्ठा होना ताकि वे परमेश्वर का वचन सुने और वे परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन बिता सके। तो पुराना नियम में भी चर्च था, लेकिन एक ऐसा चर्च जो परमेश्वर का दृष्टिकोण से चर्च है। ओके, तो चर्च कैसे शुरुआत हुआ, आइए हम इस इतिहास को समझने का कोशिश करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो। तो बहुत चेलों ने अपना अपना जवाब दिया। पतरस यहां पर बोलता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मत्ती 16 उसका 16 से 18 में पाएंगे, ठीक है। और तब पतरस का इसी कन्फेशन के ऊपर यीशु मसीह पतरस से बोलता है, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का इस कन्फेशन के ऊपर यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आगे हम क्या देखते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन पतरस पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करता है, हजारों लोग सुनते हैं और उसमें से 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं और फिर वे एक तरह से ग्रुप में जोड़ दिए जाते हैं। प्रेरितों के काम 2:47 पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि प्रतिदिन लोग प्रभु को ग्रहण करते रहे और जो लोग भी मन फिराते थे परमेश्वर स्वयं उनको उनके ग्रुप में जोड़ दिया करता था। तो उन दिनों में एक तरीके से केवल ग्रुप होता था, विश्वासियों का ग्रुप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि वे सप्ताह में एक बार जमा होने लगे और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से मिलने लगे, प्रभु भोज करने लगे। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 2 वचन के अनुसार लिखा है कि वे सप्ताह का पहला दिन मतलब संडे को जमा होते थे। तो इस तरीके से चर्च शुरुआत हुआ पहली शताब्दी में। लेकिन आज जो चर्च हम देखते हैं 21वीं शताब्दी में, वो धीरे धीरे डेवलप होकर कैसे आगे बढ़ा है, इस इतिहास को हम यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं, बड़ा मजेदार बात। गूगल क्या कहता है, जब आप सर्च करेंगे गूगल में विच रिलीजन इज द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, तब आपको पता चल जाएगा क्रिश्चियनिटी। पॉपुलेशन है 2.382 बिलियन, परसेंटेज कितना है 31.11। इस्लाम उसके बाद दूसरे नंबर में आता है, उसके बाद फिर दूसरा एथिस्ट या सेक्युलर टाइप का कुछ आता है, तब जा कर के हिंदुइज्म आता है। तो ऐसा गूगल 2020 में इस बात को बताता है। तो आइए हम लोग इतिहास में देखेंगे कि पहला शताब्दी से लेकर अभी 21वीं शताब्दी तक क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसा कहीं भी नहीं सुना होगा। सो मैंने यहाँ पर टाइम मतलब जो शताब्दी है उसको बताया है और याद रखने के लिए कुछ खास नाम का जिक्र किया है और फिर क्या एक्टिविटी या क्या खास घटना हुआ है उस काल में, उसको मैंने यहाँ पर ग्रोथ ऑफ चर्च करके लिखा है। सो आइए हम यहाँ समझने का कोशिश करेंगे 1 से 3 शताब्दी में क्या हुआ। उन दिनों बहुत कठोर रीति से सताव बढ़ने लगा, बहुत भयानक, और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। जब आप प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। लेकिन एक बात था कि जहाँ कहीं भी विश्वासी जाते थे, रास्ते में जिस जगह में रुकते थे वहाँ पर भी सुसमाचार सुनाते हुए आगे बढ़ते थे। सुसमाचार किसी भी तरह से बंद नहीं हुआ था और बढ़ रहा था। उन दिनों में फेथ मूवमेंट था और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को धर्म के रूप में नहीं देखा जाता था। यह सताव जो है सम्राट नीरो और उनके सक्सेसर और यहूदी जो लीडर थे, धार्मिक लीडर, उनके द्वारा से हो रहा था। फिर इसी तरह से चलते रहा। 3rd से 6th शताब्दी के बीच में क्या हुआ, एक सम्राट कंस्टेंटाइन, उनका जीवन में चमत्कार हुआ, युद्ध चमत्कारी रूप से उन्होंने जीत लिया और उनका विश्वास हो गया यीशु मसीह पर। और जब उनका विश्वास हो गया यीशु मसीह पर तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में, मेरे देश में हर कोई को यीशु मसीह को फॉलो करना है, ऐसा आज्ञा निकाल दिए। उसके बाद एक तरह से सभी लोग का जबरदस्ती कन्वर्सन हो गया, सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद कोई सताव नहीं, क्रिश्चियनिटी को एक धर्म के रूप में देखा जाने लगा और फेथ मूवमेंट वहां पर बंद हुआ। फिर धीरे धीरे हम क्या देखें कि एक तरह का पॉलिटिक्स, दुनियावी सिस्टम जो है चर्च में आने लगा। इवेंजलिज्म करने का जो काम है, सुसमाचार सुनाना, आत्मा बचाना, खत्म। अब फोर्स कन्वर्सन, नहीं मानोगे तो राजा सजा देगा, जेल में डालेगा, बहुत तमाम तरह की बातें। 6 से 10 शताब्दी के बीच में क्या हो गया, रोम एक बड़ा देश उभर कर हो गया। रोम का सम्राट के बाद पोप एक अधिकार रखता था,
धार्मिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। पोप के अंडर में एक तरह से रूल चलने लगा और कई तरीके से धार्मिक और पॉलिटिकल पावर करप्टेड हो गया और लोग परेशान होने लगे। फिर हम आगे देखते हैं कि 10वां से 15 शताब्दी के बीच में क्या हुआ। इतना ज्यादा इमोरालिटी बढ़ गया चर्च में कि उन दिनों में होता क्या था कि आपको पाप क्षमा के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, आपको बाइबल पढ़ने दिया नहीं जाता था, लोग बाइबल, आम आदमी बाइबल नहीं पढ़ सकते थे और कई तरह की बातें वहां पर थी। उद्धार का जो कॉन्सेप्ट था वो भी एक तरीके से खराब हो गया था। ऐसे सिचुएशन में कुछ मसीही परेशान होकर जंगल की ओर भागने लगे। बेनेडिक्ट वो जंगल की ओर गए और उन्होंने गुफाओं में अपना जीवन जीने लगा, एक मॉन्क, साधु संत की तरह। और हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में मोनास्टिसिज्म का शुरुआत हुआ, लेकिन फिर धीरे से वो गिर भी गया, खत्म हो गया। अब आते हैं 15 से 18वीं शताब्दी के बीच में। परमेश्वर ने कुछ लोगों को बाइबल स्टडी करने के लिए उभारा और मार्टिन लूथर परमेश्वर का वचन को स्टडी करके उन्होंने इस बात को जान लिया कि बाइबल सबके लिए होना चाहिए। उद्धार परमेश्वर पर विश्वास और अनुग्रह के द्वारा मिलता है, इसके लिए कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। और तब मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ। जो लोग मार्टिन लूथर के साथ हो गए उनको कहा जाने लगा प्रोटेस्टेंट, विरोधी, और जो लोग उनके साथ नहीं थे वो हो गए रोमन कैथोलिक। तो एक तरीके से दो ग्रुप वहां से हो गया। और फिर हम देखते हैं एक तरीके से रिफॉर्मेशन, कलीसिया में सुधार आने लगा। और फिर परमेश्वर ने और भी लोगों को खड़ा किया, जॉन कैल्विन, जॉन वेस्ली, जॉर्ज वाइट, ये सभी लोग आए और इन्होंने बाइबल को गहराई से स्टडी किया। और फिर तब यहाँ से अलग अलग डिनोमिनेशन, हम कई तरह का अलग अलग चर्च देखते हैं ना, वो इसी शताब्दी में शुरुआत हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा बचाने पर जोर देना शुरुआत यहाँ से होने लगा। और फिर हम देखते हैं 18 से 21वीं शताब्दी के बीच में कि लोग सोचने लगे कि ना केवल अपने देश में पर हम दूसरे देश में भी परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए जाए जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है। तब विलियम कैरी इंग्लैंड से उठ करके भारत का कोलकाता एरिया में आए और उन्होंने कई लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन किया और बहुत सारा काम उन्होंने किया। उसके बाद हडसन टेलर आए, भक्त सिंह आए, बिली ग्राहम आए, चीन में सुसमाचार पहुँचा। भक्त सिंह पंजाब से उठ करके कई जगहों में गए और उन्होंने कलीसिया का स्थापना किया। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम आए और उन्होंने कई देशों में सुसमाचार प्रचार का काम किया। लेकिन इस शताब्दी में एक बात हुआ कि साइंस और इनोवेशन बढ़ने लगा, जिसके वजह से परमेश्वर के वचन को चुनौती मिलने लगा। परमेश्वर का वचन सत्य है या नहीं है, इस बात का परख होने लगा। यहाँ दीदी पूछ रही है, चर्च को क्या क्या सिंबल से दर्शाया गया है? आइए हम यहाँ पर देखते हैं। चर्च को 3 मेजर सिंबल से दर्शाया गया है। पहला, हमारा शरीर। हमारा शरीर का उदाहरण देकर समझाया गया है कि हमारा शरीर परमेश्वर का कलीसिया का देह है, यीशु मसीह का कलीसिया का देह है। ओके, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हमारा जो बॉडी का अलग अलग पार्ट्स है वो सब कुछ हम विश्वासी लोग हैं। एक उंगली जो हो सकता है आप सोचते हो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का देह में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम ये सीखते हैं कि जिस तरीके से देह में बहुत सारा अंग है और हर एक अंग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक को चोट लगता है तो दूसरों को भी तकलीफ होता है, ठीक वैसे ही मसीही एकता के बारे में और एक साथ कलीसिया में काम करने के बारे में या देह का उदाहरण हमें सिखाता है। दूसरा है टेम्पल, मंदिर। हम और आप, जहाँ परमेश्वर रहता है हम में, हम परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 और 6:19-20 में भी आगे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है। हम इफिसियों का पत्री में बताता है कि हमें पवित्र आत्मा का छाप मिला है और वो हम में वास करता है। परमेश्वर इस मंदिर को पवित्र देखना चाहता है, साफ सुथरा। और तीसरा उदाहरण है ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का दुल्हन। हम और आप जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम यीशु मसीह के दुल्हन है। हमारा इंगेजमेंट परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हो गया है और अब दूल्हा तैयार होकर हमें लेने के लिए बारात के साथ, बड़ा बाजा गाजा के साथ आने वाला है। और दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है, सज रही है। तो हम कैसे सजते हैं? हम अपने आप को पवित्र रखकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपने आप को हम सजाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हमें सजा धजा पाए और हमें अपने साथ लेकर जाए। क्या आप तैयार है? परमेश्वर का कलीसिया का कई विशेषता है। कुछ विशेषता को मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यूनिटी, वन।
कुरिन्थी, इफिसी, रोमियो, कुलुसियो, गलातियो और कई वचन में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर एक है और हम यीशु मसीह में एक है। ओके, सो यीशु मसीह शरीर का हेड है और हम शरीर का अलग अलग भाग है। तो कलीसिया का विशेषता है कि यीशु मसीह में हम सब एक है। जैसा ही हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा जाति सा है, सब कुछ खत्म, हम यीशु मसीह में एक है। ओके, सो कोई भी जात पात या जाति प्रथा वाला चीज हमारा कलीसिया में पाया नहीं जाना चाहिए। ओके, सैंक्टिटी, होली, परमेश्वर का कलीसिया पवित्र है। यीशु मसीह ने हमें अलग किया है पाप से, संसार से, और पवित्र ठहराया है, सैक्रेड, एक पवित्र किया गया लोग हम लोग है। ओके, सो वी आर होली पीपल, हम पवित्र प्रजा है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस में अपना जान देकर हमें पवित्र किया है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। और तीसरा बात, कैथोलिसिटी, इसका एक और मतलब है यूनिवर्सल। परमेश्वर का कलीसिया यूनिवर्सल है। प्रत्येक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, पवित्र आत्मा मिला है और वह एक तरह से कनेक्टेड है एक एक विश्वासी से। सो एक एक विश्वासी परमेश्वर का कलीसिया है। पता है दोस्तों, यही कारण है कि अगर आप मुझे नहीं भी जानते हैं, नहीं भी देखे हैं, तब भी यीशु मसीह के वजह से आप अपनापन फील करते हैं बातचीत करते समय। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्सल कलीसिया के अंग हैं। सो एवरी बिलीवर इन द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ अनसीन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए चर्च इज यूनिवर्सल। आमेन, हालेलुया। सो अपोस्टोलिसिटी, इसका मतलब है परमेश्वर का कलीसिया प्रेरित्य है। प्रेरित्य का मतलब यह कलीसिया जो है पत्रस और चेलों का विश्वास का और कार्य का फाउंडेशन में ही बनाया हुआ है। परमेश्वर ने नबियों का फाउंडेशन में इस कलीसिया को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया कि जाओ सारे दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ। इसी ग्रेट कमीशन के आधार पर हम लोग यह काम करते हैं। सो हमारा यह कलीसिया प्रेरित्य कलीसिया है। तो आखिर क्या उद्देश्य है परमेश्वर का कलीसिया का? जब आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ उद्देश्य जो है ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। तो परमेश्वर ने चर्च को क्यों बनाया, क्या उद्देश्य है चर्च का? आइए हम इन पांच कारणों को देखेंगे। सबसे पहला कारण, परमेश्वर चाहता है कि हम एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर जो है उसके गुणों का तारीफ करें। शुरुआती दिनों में लोग इकट्ठा होते थे, आराधना करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे और वे संगति रखते थे, फेलोशिप, आपस में घर घर रोटी तोड़ते और एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते थे। फिर हम देखते हैं एडिफिकेशन, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। परमेश्वर का उद्देश्य यह भी है कि हम एक दूसरे का उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को सिखाए, व्यक्तिगत रूप से प्यार के आधार पर हम एक दूसरे को चेतावनी दें, एक दूसरे का सुधार का कारण बने। और चौथा, विटनेसिंग इवेंजलिज्म मिशन। परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है कि तुम यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। सो हमें प्रभु यीशु मसीह का गवाह पृथ्वी के छोर तक बनना है, ना केवल अपना जगह में, लेकिन अपना जगह से छोड़कर वहां पर जहां पर अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है जाना है और फिर सुसमाचार प्रचार करना है। सो यह मिशन का काम भी परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। आमेन। एक पांचवा उद्देश्य है कि सोशल कंसर्न, सामाजिक चिंता। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में रखा है ताकि हम समाज का, लोगों का जरूरत को पूरा कर सके। क्या क्या जरूरत है लोगों का? केवल आत्मिक जरूरत नहीं, लेकिन शारीरिक है, उसके बाद सामाजिक जरूरत है, शिक्षा से रिलेटेड बौद्धिक जरूरत है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इमोशनल जरूरत है और कई तरह का आर्थिक जरूरत भी है। सो तमाम इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए, जैसे विधवाओं का ख्याल रखना, जेल में जाकर मिनिस्ट्री करना, जो लोग सेक्स वर्कर हैं उनके बीच में सेवा करना, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में सेवा करना और इसी तरीके से और कई जरूरत है, जैसे बच्चों का देखभाल करना, बच्चों के बीच सेवकाई, महिलाओं के बीच सेवकाई, यूथ के बीच सेवकाई और कई तरह का मिनिस्ट्री, सोशल कंसर्न यहाँ पर आता है। पेड़ लगाना या पर्यावरण का देखभाल करना भी सोशल कंसर्न के अंदर में आता है। क्या आपका कलीसिया में पेड़ पौधा लगाना या पर्यावरण से संबंधित बातें, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें के बारे में शिक्षा दिया जा रहा है? परमेश्वर चाहता है कि जैसा पहले उसका सृष्टि था वैसा ही अब हो जाए।
मेरे दोस्तों, कलीसिया तीन बातों को तो आसानी से पूरा कर रहा है, आराधना कर रहा है, संगति कर रहा है, एक दूसरे को टीचिंग दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन दो बात में हम फेल हो जाते हैं, वो क्या है कि मिशन और सोशल कंसर्न। एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया कि वह तीन चर्च गया और तीनों चर्च में उसने बहुत सारा गड़बड़ी देखा और इसीलिए वो चर्च छोड़ दिया। हम में से हर एक कहीं ना कहीं मन में यह सोचता है कि आदर्श कलीसिया कैसा होना चाहिए और उस कलीसिया में हमारा क्या जिम्मेदारी होना चाहिए। सो आइए हम इस बात की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आदर्श चर्च, आइडियल चर्च के बारे में बाइबल क्या बताता है। एक बात जान लीजिए, नो एनी चर्च इज परफेक्ट, स्टॉप लुकिंग फॉर द बेस्ट चर्च। मेरे दोस्तों, आप बेस्ट चर्च खोजना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी चर्च बेस्ट चर्च या परफेक्ट चर्च नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि हमारा चर्च सबसे बेस्ट है तो यह गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कलीसिया हमेशा उद्देश्य के द्वारा संचालित हो। हर कलीसिया का अपना एक मोटो है, उद्देश्य है। जो उसका उद्देश्य है उसी के अनुसार संचालित हो तो अच्छी बात है। कलीसिया शुड नॉट बिकम बिजनेस। पास्टर CEO नहीं होना चाहिए, विश्वासी क्लाइंट नहीं होना चाहिए, चर्च का केंद्र या डिस्कशन का मेन पैसा नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक नया विश्वासी यह सवाल करता है कि मुझे किस चर्च से जुड़ना चाहिए। सो ऐसी कुछ 5-6 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये सवाल पूछिए और पता करने का कोशिश कीजिए कि क्या वो कलीसिया त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता है, मतलब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों एक समान है, ऐसा विश्वास करता है या नहीं। क्या वो कलीसिया 66 किताब जो बाइबल का है उस पर विश्वास करता है या नहीं। पुराना नियम में 39 किताब, नया नियम में 27 किताब, संपूर्ण पवित्र शास्त्र 66 किताब परमेश्वर का वचन है, क्या ऐसा विश्वास करता है पता कीजिए। उद्धार के बारे में कलीसिया क्या विश्वास करता है, पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास और अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होता है, ऐसा विश्वास करता है। अगर हाँ तो अच्छी बात है। पवित्र आत्मा के बारे में क्या विश्वास करता है। अगर कलीसिया एक शक्ति के रूप में मानता है पवित्र आत्मा को, मतलब एनर्जी के जैसा, तो आप उस कलीसिया से मत जुड़िए, सावधान। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति जैसा, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमें आज्ञा देता है, हम पवित्र आत्मा के भावना को समझ पाते हैं, ये बातें अगर कोई बताता है कलीसिया में, तो आप उस कलीसिया में जुड़ सकते हैं। ऐसा कलीसिया जहां पर यीशु मसीह का दोबारा आगमन का इंतजार हो रहा है, उस कलीसिया से जुड़िए। ऐसा कलीसिया जहां पर सुसमाचार प्रचार, आत्मा बचाने पर जोर दिया जाता है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, अपने दोस्तों को यीशु के पास में लाओ, उनको कलीसिया में बुलाओ, इस बात पर जोर देने वाला कलीसिया से आप जुड़ जाइएगा। ओके, सो आइए हम आगे देखते हैं कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कलीसिया में क्या होना चाहिए। हम लोग यहां पर समझेंगे। सबसे पहली बात, अपना कलीसिया में रेगुलर रहिए, हर संडे जाइए। ओके, अपने पास्टर या जो प्राचीन है, बड़े बुजुर्ग है, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, अच्छा रिलेशन है, आप उनको पूछिए कि मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूँ कलीसिया के काम के लिए, तो मेरे लिए क्या काम है आप मुझे बताइए, मैं किस तरह से कलीसिया की मदद कर सकता हूँ। तीसरी बात, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले, चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो, उसमें आप विश्वास योग्य बने रहिए, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है, उस जिम्मेदारी को ना केवल आप खुद कीजिए, लेकिन आपके जगह में आने वाला समय में 1-2 साल में कौन करेगा, उसके लिए भी आप एक सक्सेसर को ढूंढिए, तैयार कीजिए, ताकि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप उनको देकर आप बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी की ओर आगे बढ़ सके। जो आपके पास्टर या मसीह में जो आपको सिखाने वाले जो अगुवे होंगे, उन अगुओं का आदर कीजिए। ओके, यहाँ आदर करने का यह मतलब नहीं है कि जो भी गलत वो सिखाते हैं तो उसको मान लेना। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुसमाचार सुनाइए अपने दोस्तों को जो अन्य विश्वास में से है, और उनको भी धीरे से चर्च में लेकर जाने का कोशिश कीजिए। ओके, आपको जो भी परमेश्वर ने दिया है उसमें से सेक्रिफिशियली आप दीजिए। केवल पैसा नहीं, आपका समय भी त्यागपूर्ण रूप से कलीसिया के उन्नति के लिए दीजिए। हाँ, झगड़ा, एक दूसरे का बुराई, पीठ पीछे हर्ट कर देना और बहुत सारी बातें कलीसिया में होता है, और यह आम बात है। सो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को प्यार से सिखाए, एक दूसरे का प्यार से सहले, और एक दूसरे का निर्माण के लिए हम कुछ कर सके, एक दूसरे को उत्साहित कर सके। सो आइए बिल्ड ईच अदर अप विथ लव, प्यार से हम एक दूसरे का निर्माण करेंगे। ओके, सो कलीसिया में क्या क्या सैक्रामेंट होता है, इस बात को अभी हम यहाँ पर समझेंगे। सो कलीसिया में सैक्रामेंट, सबसे पहला बैप्टिज्म। रोमी 6 अध्याय के अनुसार यह है कि बैप्टिज्म जो है, जिसका अर्थ होता है डुबाया जाना,
ये एक बाहरी चिन्ह है कि हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है और हम सार्वजनिक रूप से इस बात का अंगीकार करते हैं, लोगों के सामने गवाही देते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर अब जो मुझ में जिंदा है यीशु मसीह एक नया स्वभाव में जिंदा है। सो मैं अब मर गया और अब एक नया स्वभाव में नया जॉन जिंदा है, इस बात का गवाही है बपतिस्मा। सो ये जरूरी है, हर एक को लेना है। होली कम्युनियन, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है उनको ये होली कम्युनियन दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? ताकि हम यीशु मसीह का मृत्यु और उसके दोबारा आगमन को याद कर सकें और फिर यही बात हम गवाही देकर दूसरों को भी बता सकें। इसीलिए यह होता है कलीसिया में और इसमें हमें शामिल होना चाहिए जैसा कलीसिया का नियम है उसके अनुसार। कुछ और भी सैक्रामेंट है जैसे कि विवाह और अंतिम क्रियाक्रम। जब किसी व्यक्ति का शादी होता है कलीसिया में तो जो ओर्डेन्ड पास्टर होते हैं, अधिकार प्राप्त पास्टर, वही विवाह को देते हैं और सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। ओके और अंतिम क्रिया भी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से कॉल आया कि भैया मैं चर्च का मेंबर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया। वही चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हमें चर्च का मेंबर बनने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है अपना व्यक्तिगत प्रभु परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में। ओके दूसरी बात, आपको चर्च रेगुलरली जाना है, मतलब हर संडे जाना है। कभी कभी हो सकता है कि आप कुछ कारण से नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चर्च जाते रहना है और एक ही चर्च जाना है, जगह जगह नहीं घूमना है। ठीक है, आप पास्टर के साथ समय बिताइए। अगर कलीसिया बहुत बड़ा है, पास्टर बहुत बिजी रहते हैं, उनके साथ बात नहीं हो पा रहा है, तब लोकल लेवल में जो विश्वासी है या जो लीडर है कलीसिया के, उनके साथ आप समय बिताइए और कोशिश कीजिए कि आप उनको जान सके, वो आपको जान सके। इस तरीके से जान पहचान कीजिए, या फिर हो सके तो अपना घर भी आप उनको खाने पर जरूर बुलाइए। आप अपना गवाही दीजिए पास्टर को या फिर चर्च के जो एल्डर है उनको गवाही दीजिए कि मैंने कैसे प्रभु को ग्रहण किया, जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। इस तरह से अगर पास्टर आपको मौका देता है चर्च में गवाही देने का, तो आप चर्च में भी गवाही दीजिए ताकि लोग आपका गवाही सुनकर परमेश्वर की महिमा करें। आप धीरे धीरे स्टडी कीजिए परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का चरित्र के बारे में कि वो कौन है, उसका गुण कैसा है। फिर आप पाप, उद्धार, पवित्र आत्मा और बपतिस्मा के बारे में स्टडी कीजिए। आप धीरे धीरे जानने का कोशिश कीजिए। ओके हो सकता है कि आपको कोई सीनियर धीरे धीरे मदद करने लगे, तब जा करके आप उनको पूछिए कि मुझे बैप्टिज्म लेना है और इस कलीसिया का मेंबरशिप चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब पास्टर क्या करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपको फिर प्रोसीजर बताएंगे। हो सकता है कि कुछ क्लासेस भी देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आप नए विश्वासी हैं और 18 साल से कम के हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भारत का नियम के अनुसार 18 साल या उससे अधिक हो गए हैं तो आप बैप्टिज्म लेने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, आपको एक बात याद रखना चाहिए, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया उसके बाद इमीडिएटली आपको बैप्टिज्म दे के मेंबरशिप दे देते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप सावधान रहिए, कम से कम एक साल, अधिक से अधिक डेढ़ साल का समय जरूर लगाइए, क्योंकि लोग आपको जानेंगे, विश्वास होगा कि आप छोड़कर पीछे नहीं लौटेंगे, तो आपको जरूर ऐसा बैप्टिज्म देंगे, मेंबरशिप भी देंगे। सो आप ये बात मान के चलिए कि एक साल कम से कम लग जाता है। जो लोग पास्टर या लीडर है उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एक नया विश्वासी को तुरंत बैप्टिज्म और मेंबरशिप मत दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, परखिए और उनको विश्वास में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए, तब आप उनको मेंबरशिप चर्च का जरूर दीजिएगा। ओके भाई साहब सवाल कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं। सो बहुत कुछ हमने सीखा है। ये डॉक्ट्रिन को अगर हम अपना जीवन में अप्लाई करते हैं, अपना कलीसियाई जीवन में अप्लाई करते हैं, तो क्या बदलाव हमारा सोच में आएगा? सबसे पहली बात, आपको किसी ना किसी चर्च का मेंबर जरूर होना है। और कैसा चर्च का मेंबर होना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बी होली एज क्राइस्ट इज होली। यीशु मसीह पवित्र है इसीलिए हमें भी पवित्र होना है, क्योंकि हम उसका देह है, हम उसका कलीसिया है। ओके सो हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट फॉर द यूनिटी ऑफ द चर्च। परमेश्वर का अदृश्य और पवित्र और यूनिवर्सल कलीसिया के लिए हमें क्या करना है? कुछ योगदान देना है ताकि यूनिटी बने रहे, और इसका रक्षा भी करना है। ओके याद रखिएगा, कोई भी कास्टिज्म चर्च में नहीं होना चाहिए। तू फलाना जाति का, मैं फलाना जाति का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है। मैं झारखंड में इस बात को जानता हूं कि कलीसिया अलग अलग हो गया जाति के वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर वन इन क्राइस्ट। ओके यूज योर गिफ्ट्स फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पहचानिए और उसका इस्तेमाल कलीसिया का उन्नति के लिए जरूर करते जाइए।
उसे गाड़ कर मत रखिए जमीन में, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से और कॉरपोरेट रूप से गवाह बनिए जहां आपको परमेश्वर ने रखा है। एक अच्छा उदाहरण आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा, आप सर्च करके गूगल में देखिए, वो कलीसिया आगे आकर इलेक्शन के समय में कहता है कि सरकार इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं है, हमारे चर्च के जवान लोग एज ए वॉलंटियर काम करेंगे और एक चाय का पैसा भी नहीं लेंगे और हम सब फ्री में उस वोट का इलेक्शन का टाइम में सहायता करेंगे। चर्च का कोई भी एक्टिविटी हो उस एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी हमें देखकर हिस्सा लेने के लिए इनकरेज हो सके। याद रखिएगा एक बात, नेवर क्रिटिसाइज और कम्पीट और कंडेम अदर चर्च। अगर आपके पास्टर या फिर कुछ अगवे ऐसा बोलते कि हमारा चर्च बेस्ट चर्च है, हम लोग का चर्च स्वर्ग लेके जाएगा, इसका चर्च में प्रभु नहीं है, ये चर्च में तो क्राइस्ट नॉट इनसाइड, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल गलत। क्रिटिसाइज मत कीजिए क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत है, अच्छा बात नहीं है। किसी भी कलीसिया के साथ हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है कि फलाना कलीसिया बढ़ रहा है हमें भी बढ़ना चाहिए, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। ये कलीसिया में पाप होता है ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि कलीसिया हमारा और आपका नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह को हिसाब लेने दीजिए। आइए हम आगे और देखते हैं, सेक्रीफिशियली कलीसिया का उन्नति के लिए दीजिए पैसा भी और समय भी। एक बात याद रखिएगा, कलीसिया को परमेश्वर ने बहुत सारा काम दिया है करने के लिए लेकिन कलीसिया नहीं कर पा रहा है। हम यहाँ क्या देखते हैं, एक समस्या कलीसिया में कि कलीसिया एक जगह सीमित कर रह गया और वहां से निकलकर दूसरा जगह में सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं सोच रहा, इसीलिए पारा चर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन उठ खड़ा हुआ है ताकि कलीसिया जो काम नहीं कर सक रहा है उस काम को करे। कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच सेवकाई नहीं हो रहा है चर्च के द्वारा से, इसीलिए कई ऐसा संस्थाएं हैं। अगर कलीसिया इस काम को उठा ले अपने जिम्मे में तो फिर पारा चर्च ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। सेक्स वर्कर के बीच में काम करने के लिए कलीसिया तैयार नहीं है, इसीलिए कई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। जो लोग अंधे हैं उनके बीच में सेवा करने के लिए कोई कलीसिया आगे नहीं आ रहा, इसीलिए परमेश्वर ने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। तो मेरे प्रियो, ना केवल चर्च में दान दे लेकिन अपना कुछ पैसा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए दे ताकि परमेश्वर का जो मिशन है वो फुलफिल हो सके। सो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और कलीसिया को समाज सेवा भी जरूर करना चाहिए जैसा कि जरूरत है। ओके, और कोई दूसरी बात जो आपने इससे सीखा है तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि हम जान सके कि आपने क्या सीखा है। मैं आपके लिए सोचने के लिए इस फोटो को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि इस फोटो को देखकर कलीसिया का क्या जिम्मेदारी आपको समझ में आता है। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, जब आप कलीसिया को देखते हैं तो क्या कलीसिया इन सब क्षेत्रों में काम कर रहा है? इसरो जो भारत का है वह उस जगह में स्थापित हुआ जहां एक चर्च था। क्या आज हमारा कलीसिया साइंस के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है? क्या हम अपने विश्वासियों को ऐसा उत्साहित करते हैं? आपको सोचने के लिए मैं यह विचार दे रहा हूं। आइए हम इस बात को जो सीखे हैं दूसरों को भी सिखाए ताकि कलीसिया की उन्नति हो, परमेश्वर की देह की उन्नति हो। आमीन।